अगर हम दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक आती है फोर्थ। ऑब्वियसली बात है, यूएसए नंबर वन पर है, रशिया टू है और चाइना है नंबर थ्री पर। बट द प्रॉब्लम इस रैंकिंग में इंडिया की पोजिशन है वो चेंज हो सकती है एंड इट विल नॉट चेंज फॉर द बेटर। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ डिफेंस पर खर्चा कम होता जा रहा है। रिलेटिवली जैसे दुनिया खर्च कर रही है, हम लोग वैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, देश में कुछ दिन पहले बजट प्रेजेंट हुआ। अब बजट के बाद देश में माहौल अच्छा नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भले ही 48 लाख करोड़ का है, बट गवर्नमेंट ने कई सारे इंपॉर्टेंट जगह पर टैक्सेस बढ़ाए हैं जो कि लोगों को काफी हर्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है, स्टूडेंट खुश नहीं है, मिडिल क्लास फैमिलीज खुश नहीं है, बिकॉज कई जगह टैक्सेस बढ़े हैं। नाउ एज एन इंडियन, अगर मेरे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, कम से कम ये तो चाहूंगा ना मेरी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि वो भी मेंटेन नहीं होती है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि इस बार हम लोगों ने इंडिया के डिफेंस पर कितना खर्चा किया है, यूएसए और चाइना से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या है, एंड फाइनली वी विल सी कि इंडिया को आइडियली कितना स्पेंड करना चाहिए टू मेक श्योर कि हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। अगर हम 2024 के बजट की बात करें तो इंडिया ने डिफेंस पर खर्च किए हैं लगभग $75 बिलियन, इंडियन रुपए में लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपीस, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ठीक है, क्लैरिफाई करने तो छोटा नंबर नहीं है बिल्कुल भी, बट अगर कंपेयर करें इसको, जैसे कि अगर सबसे प्राइम एग्जांपल जो हमारा आता है इस केस में, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की अगर बात करो तो यूएसए अपने डिफेंस पर खर्चा करता है लगभग $877 बिलियन। हमारा पूरा का पूरा जो बजट था, ठीक है, टोटल बजट डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ऐड कर दूं तो हमारा टोटल बजट लगभग 600 बिलियन डॉलर का बैठता है। उनका डिफेंस बजट अकेले 877 बिलियन डॉलर्स का था लास्ट ईयर। अगर मैं अगले 10 कंट्री, यूएस के बाद जो भी अगले 10 सबसे बड़े स्पेंडर है, उन सबका भी ऐड कर दूं तब भी वो यूएसए के कंपैरिजन में आपके नहीं आते हैं। अब देखो, यूएसए डिफेंस पर 877 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए के रैंक फर्स्ट क्यों है? क्योंकि खर्चा कर रहे हैं भाई। USA has the most military bases in the world. दुनिया में कहां पर आज के टाइम पे US के military deployed नहीं है, चाहे वो Atlantic Ocean हो, Indian Ocean हो, deserts हो, islands हो, countries हो, whatever it is, USA के military वहां पर deployed है and they are able to do it because वहां पर उनके पास budget है to do that. अगर हम चाइना की बात करें, उनकी अदर जो हमारा बोला था कि आर्च राइवल है, कंपैरिजन होता है, ये होता वो होता है, ठीक है, अगर आप चाइना की बात करो, चाइना का जो ऑफिशियल डिफेंस बजट है इट इज पेक्ड एट $231 बिलियन। चाइना के हिसाब से वो लोग साल में $231 बिलियन डिफेंस पर खर्चा कर रहे हैं। ना ये चाइनीज गवर्नमेंट बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। और अगर यूएसए कुछ थिंक टैंक की अगर बात करोगे तो उनके हिसाब से चाइना का जो टोटल डिफेंस बजट है वो $710 बिलियन से भी ऊपर है। मतलब चाइना इंडिया का लगभग 10 गुना खर्चा कर रहा है, अगर हम अनऑफिशियल सोर्सेस की माने, ऑन देयर डिफेंस एटलीस्ट 5 गुना 4 गुना तो खर्चा कर ही रहा है। ठीक है, सो वी हैव टू कैच अप विद दोस कंट्रीज, हमारा कैच अप इन कंट्रीज से इवेंचुअली, बिकॉज हमारे बॉर्डर्स इनसे टच होते हैं। वी आर शेयरिंग अ बॉर्डर विद चाइना एंड चाइना स्पेंड्स अ लॉट ऑफ इट्स मनी ऑन प्रोड्यूसिंग वेपन्स। हमारा जो बजट है ना $75 बिलियन का, इटमें से एक मेजोरिटी पार्ट जाता है टूवर्ड्स द सैलरीज एंड द पेंशंस गिवन टू द आर्म फोर्सेस। अब वो ठीक है, देखो वो खर्चा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, जायज है, वो होना चाहिए, बट स्टिल वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग वेपन्स डेवलप करें, क्योंकि इंडिया को भाई इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। तो पहली चीज, हमें वेपन्स चाहिए, हमें ड्रोन्स चाहिए, हमें फाइटर जेट्स चाहिए, हमें एयर मिसाइल्स चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, वी नीड दीज वेपन्स। ठीक है, ये वेपन्स हम लोग यूजली बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है, वो रशिया से आते हैं, यूएसए से आते हैं, इसराइल से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम लोग खुद के वेपन्स बनाएं। वी नीड इंडिजिनस वेपन्स, बिकॉज इवेंचुअली देखो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। इन केस ऑफ वॉर यूएसए सप्लाई करे ना करे, देर इज नो गारंटी। रशिया सप्लाई कर पाए या ना कर पाए, देर इज नो गारंटी। तो हमको नहीं पता है कल को हमारी दोस्ती रशिया से अच्छी होगी, यूएसए से अच्छी होगी, फ्रांस से अच्छी होगी या फिर इसराइल से अच्छी होगी, वी डोंट नो दैट, सो वी हैव टू रिलाय ऑन आवरसेल्व्स। ठीक है, अगर आप देखो इंडिया का एक फाइटर जेट, जैसे हमारे हर फील्ड में, चाहे वो एक कैरियर हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, फाइटर जेट्स हो, हर जगह पर हमको एक मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मिसाइल्स हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल्स हैं, ठीक है, एक और कैरियर की अगर बात करोगे तो वहां पर हमारे पास INS विशाल बनने वाला है, विक्रमादित्य है, INS विक्रांत है, ठीक है, देन वी कम्स टू एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, जो फाइटर जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स हमने देखो बना तो लिया है, ठीक है, हमने सिर्फ बॉडी बनाई है, वी हैव येट टू मेक अ फाइटर जेट इंजन। हम लोग अभी तक फाइटर जेट का एक भी इंजन नहीं बना पाए, एंड विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की लगती है, ठीक है। अब हाई लेवल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए चाहिए आपको हाई लेवल टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ जो काम करता है, डिफेंस पर रिसर्च होनी चाहिए, वो काम हमारे यहाँ DRDO करता है। DRDO का जो टोटल बजट है दैट इज अराउंड 23,000 करोड़।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए हम लोग डीआरडीओ को दे रहे हैं, लगभग आप लगा लो 2.5 बिलियन डॉलर्स। चाइना में ये स्पेंडिंग लगभग इसका 10 गुना है, यूएसए में लगभग इसका 15 गुना है। सो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर मनी ऑन डिफेंस रिसर्च, हम लोग नहीं कर रहे उनका। अगर आप इंडिया का मैप देखो, इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ठीक है, वी हैव पाकिस्तान, ठीक है, हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत, ठीक है, देन वी हैव चाइना, ठीक है, फिर हमारा नेपाल है, म्यांमार है, दिस इज अ एरिया विच इज नॉट स्टेबल। पहली चीज, ये एरिया स्टेबल नहीं है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से लोग माइग्रेट होकर आते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर्स प्री डिफाइंड नहीं है, चाहे वो LOC हो, LAC हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, बॉर्डर्स फ्लूइड है, लोग आते रहते हैं बाउंड्री टाप करके, ठीक है, वहां से हमें दिक्कत होती थी कि बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अब यहाँ से हमको बोलो कि भाई 150 करोड़ के ऊपर 50 करोड़ लोग वहां से भी आएंगे, दैट विल बी एन इशू फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए इशू होगा। एंड टू मेक श्योर कि हमारे बॉर्डर्स आर सिक्योर, वी नीड टू स्पेंड मनी ऑन डिफेंस। पाकिस्तान की बात करें, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक हमने रिसर्जेंस देखा है टेररिज्म का। यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल, ओवर 40 पाकिस्तान टेररिस्ट हाइडिंग इन हिली रीजन ऑफ जम्मू, आर्मी ऑन अलर्ट, ठीक है, मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, हमारे आर्मी के सोल्जर्स को शहीद भी हुए हैं, और जिस वजह से हमारे आर्मी के सोल्जर्स आज के टाइम पे शहीद हो रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। बिकॉज अगर मैं आपको इशू बता, इशू क्या हुआ था, हमारे सोल्जर्स एक ऐसी रोड पे गए थे जिस वन साइडेड रोड थी पहाड़ पे, उन पर एम्बुश अटैक हो जाता है, एक सरप्राइज अटैक करते हैं टेररिस्ट एंड दे किल देम, दे आर एबल टू किल देम सो इजीली बिकॉज जो हमारा आर्मर्ड व्हीकल था, दैट वाज नॉट आर्मर्ड, ठीक, वहां पर सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे थे बट वहां का ग्लास वॉज नॉट बुलेट, मतलब हम अपने सोल्जर्स को बुलेट प्रूफ ग्लास भी नहीं दे पा रहे, उनके ट्रक से हो रहे हैं, दे आर गोइंग आउट विदाउट सेफ्टी। तो जब हम सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आर्मी कैसे सिक्योर रही? जब हमारी आर्मी ही सिक्योर नहीं, तो हमारे बॉर्डर्स तो बिल्कुल ही सिक्योर नहीं हो सकते। अब अगर हम दुनिया की बात करूं, इट इज नॉट समथिंग कि यार हमको इंडिया प्रोटेक्शन चाहिए या फिर हमारे बॉर्डर सब कुछ हो रहा है, दुनिया जो वर्ल्ड है इट इज गोइंग टूवर्ड्स अनस्टेबिलिटी। अगर हम देखें सिप्री की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, सिप्री के हिसाब से दुनिया भर में वायलेंस बढ़ा है, ठीक है, जो रेड रीजन देख रहे हो यहाँ पर तो 10,000 से ज्यादा लोग मरे हैं एक साल में, विच इज अगेन द यूक्रेन का वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फिर म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सूडान, साउथ सूडान, ये पूरी सहारा बेल्ट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पर इसको हमने हाईलाइट किया, ये इसराइल वाला पार्ट है, तो मल्टीपल वॉर्स दुनिया में हो रही है, और हम ये चीज देख पा रहे हैं कि ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट विच कैन हैपन इन द पैसिफिक ओशन। तो दुनिया अपने आप को प्रिपेयर कर रही है टूवर्ड्स अ वॉर, सब लोग अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखो लास्ट ईयर डिफेंस का एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप टू 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स, ये ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर है, आज तक कभी भी इतना नहीं देखा गया था, इट वाज परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट जंप था आफ्टर 2009। और आज के टाइम पर दुनिया अपने आप को एक वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो के लिए तैयार कर रही है, चाहे वो टर्की हो, यूके हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सारे के कंट्रीज ने अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर काफी हद तक बढ़ा दिया है। यूके इनफैक्ट बोल रहे हैं कि वो इस बार अपना डिफेंस का एक्सपेंडिचर दे विल इंक्रीज इट अप टू 100 बिलियन डॉलर्स। जो उनके नया प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला कि भाई हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं, टर्की अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाला है अप टू 150%, जो कि बहुत बड़ा राइज है। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज गॉन फ्रॉम 73 बिलियन टू 75 बिलियन विद इन अ ईयर, विच इज नॉट इनफ। हमें एक तो रिक्वायरमेंट ज्यादा बाकी कंट्रीज से, और फिर दुनिया के सामने हमको खुद को प्रिपेयर भी करना है। नाउ व्हाट इज द आइडियल नंबर, आइडियली हमारे डिफेंस पे खर्चा कितना होना चाहिए? नाउ अकॉर्डिंग टू वेरी various stats, you will find कि ideal number आ रहा है लगभग 100 billion dollars। अब ये acquire करने में देखो ये कल नहीं होने वाला है, ये अगले साल नहीं होगा, ये 2 साल में नहीं होने वाला है, but it is still expected कि हम लोग 100 billion dollars का जो mark है वो जल्दी से जल्दी छोड़े, because eventually we have to catch up with China। हमारा जो major competitor है that is China, whether in terms of submarines, aircraft carrier, drones, military पे खर्चा, technology पे खर्चा, satellites हो गया, हर चीज पे हमें China से catch up ही करना है। We are still pretty much very far behind from China. फिर हमें eventually catch up करना है with the US. So we need to make sure कि 100 billion dollars का जो market है हम जल्दी से जल्दी touch करें। अब इसमें time लगेगा, देखो ये कल नहीं होने वाला है, it will take time. ठीक है, but देखते हैं कितना time लगेगा। We'll end this video on a very famous quote. So we'll end this video with a very famous, coincidentally a Chinese quote. It is better to be a warrior in a garden than to be a gardener in a war. So India needs to prepare itself कि हम लोग डिफेंस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, सो दैट इन केस ऑफ वॉर हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। अगर हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इट विल हैपन कि हम लोग सबके सब स्लॉटर हो जाएंगे, वी लगे बिकन अ कॉलोनी, एंड दैट वी डोंट वॉन्ट। ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।